हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और बताना बात चाहता हूँ कि वो कंपनी अपने जो प्लाइजिंग शेयर्स है कंटिन्यूसली अगर बात की जाए एक महीने के अंदर अंदर, बल्कि एक महीना भी नहीं हुआ, 30 दिन के अंदर अंदर दो बार अपने शेयर्स को 50-50 लाख के हिसाब से बात करें तो 1 करोड़ के आसपास उन्होंने अपने शेयर को प्लाइजिंग से छुड़वाया है। और बात करूँ DIS की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी को कंटिन्यूसली उस शेयर में बढ़ाया है, तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे, जानेंगे कंपनी कैसी है, ओके क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अभी एक वीडियो डाली गई है JP, अगर बात करें JP पावर वेंचर, 300 रुपये का शेयर है, उससे रिलेटेड एज वेल एज अगर बात करें अडानी ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड बातें की गई है काफ़ी कंपनीज़ की और यहाँ पर और भी वीडियोज़ है, तो इन्हें जाके जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, आप PM केयर में यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं फॉर द कोविड-19 की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाला हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले इसके रिटर्न्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए आज की डेट में लगभग 7% भागा है। अगर हम बात करते छः महीने में 93% ये शेयर भागा है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कंपनी के प्लाइजिंग थे, तो कंपनी कंटिन्यूसली गिरती हुई नज़र आ रही थी। 10 साल में इसके परफॉर्मेंस देखे तो नेगेटिव ही परफॉर्मेंस है, बट कंपनी अब धीरे धीरे राइज करना जा रही है। और यहाँ पर अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखते तो देखिए आज यहाँ पर एक साथ एक न्यूज़ आई और न्यूज़ आती साथ यहाँ पर अगर बात करें तो ये शेयर और 7% भागता हुआ नज़र आया। हालांकि बाद में गिर थोड़ा सा और यहाँ पर हल्का होता हुआ नज़र आया था, बट स्टिल कम यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आया था। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए आपके सामने है। अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मतलब वॉलेटिलिटी इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा है और चार्ट पैटर्न कुछ खास लगेगा नहीं। तो इसमें कैसे रिलेटेड एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये शेयर उन्हीं के लिए है जो इस वॉलेटिलिटी को और जो रिस्क लेना पसंद करता है उससे रिलेटेड वो इस कंपनी पे भरोसा करके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप रिटर्न्स भी देख सकते हैं किस तरीके के रिटर्न्स है, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि 6 महीने में तो लगभग 90% के रिटर्न, बट उसके बाद कुछ भी रिटर्न नहीं। अगर 10 साल की बात करें तो कुछ खास रिटर्न यहाँ मिलते हुए नहीं नज़र आए हैं। और एक साल की बात करें तो 221% के रिटर्न इस कंपनी ने हमें देते हुए नज़र आया है। तो इस बात को भी आपको पैंडामिक के बाद से देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर और भी परफॉर्मेंस देख ले तो लगभग 10,92,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे 32% के शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। 52 वीक लो की बात करें 22 मई को यहाँ पर था, और 52 वीक हाई की बात करें तो 90 रुपीज़ का ये शेयर 52 वीक हाई था। कंपनी इन्फॉर्मेशन में और भी चीज़ों की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45% है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक साथ ये जो शेयर था ओके जंप करता हुआ आज के दिन दिखाई दिया था। ऑब्वियसली बात है, कोई न्यूज़ आती है तब ये शेयर जंप करते हुए नज़र आते, तो क्या न्यूज़ थी उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फंड रेजिंग का बोर्ड मीटिंग अगर बात करें 14 मई को फंड रेजिंग एज वेल एज ये अपने फाइनेंशियल रिजल्ट Q4 के अनाउंस करता हुआ ये शेयर दिखाई देगा। तो कंपनी कौन सी है तो उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर बात करूँ ये इस कंपनी की तो देखिए यहाँ पर ये शेयर ये ना प्लेजिंग अपनी रिवोक करता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर अप्रैल 23 की बात करें 43.19 लाख शेयर यहाँ पर रिवोक किए थे। उसके बाद फिर दोबारा अभी कुछ दिन पहले इन्होंने लास्ट वीक ही आई थिंक या इस वीक दोबारा अपने शेयर को रिवोक करते हुए नज़र आए थे। तो लगभग 1 करोड़ शेयर ही अपने रिवोक करते हुए नजर आए। अगर मैं आपको बताऊं कि इनके पास शेयर कितने हैं तो इनके पास जैसे कि मैंने यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ, तो अभी जो मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न है 45.97% की होल्डिंग है, जिनमें से लगभग 45.78 ही लगभग सेम होल्डिंग पैटर्न, मतलब इतने ही शेयर इन्होंने प्लाइजिंग कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने शेयर हैं, तो प्रोमोटर्स के पास 7,57,61,340 इतने शेयर यहाँ पर नज़र आते हैं, इनमें से 1 करोड़ शेयर इन्होंने अभी छुड़वाया है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना होगा। बट अगर बात करें यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी भी मुझे नज़र आती है यहाँ पर केशुराम, बट केशुराम करता क्या है उससे रिलेटिव बातें कर लेते हैं। तो देखिए बिरला टायर का नाम सुना होगा ओके, बिरला टायर इसी की कंपनी है। बिरला शक्ति सीमेंट का नाम सुना होगा, वो भी केशुराम की है। तो केशुराम रेयन से रिलेटेड आपने देखा होगा। तो ऑटो एंसिलरी
जिसमें हम बात करें तो आपका और टायर से रिलेटेड, बाकी सीमेंट, सीमेंट पे अभी अपने आपको फोकस कर बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें द कंपनी मार्केट्स ऑटोमोबाइल टायर्स अंडर द ब्रांड नेम बिरला टायर एंड सीमेंट इज मार्केटिंग अंडर बिरला शक्ति सीमेंट। तो अपने आपको सीमेंट में भी ये अपने आपको डाइवर्सिफाइड करने जा रहा है। और प्राइसिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। डेट की बात करें तो कंपनी के पास डेट ऑब्वियसली बात है प्राइसिंग है, तो शेयर डेट डेट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ROC 7% है ओके। और करंट प्राइस की बात कर रहे हो तो 73.80-77 के आसपास ये शेयर चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, हमेशा याद रखना स्मॉल कैप कंपनी हमेशा कम ही इन्वेस्ट किया करते हैं। और रिटर्न्स के मामले में मैं ऑलरेडी आपसे इसके रिलेटेड बातें कर चुका हूँ। बाकी हम बात करते हैं इसके सेल्स से रिलेटेड, तो पिछले 12 महीने में जो सेल्स देख रहे हैं, तो देखिए बीच में यहाँ पर जून, मार्च और जून में यहाँ पर सेल्स कम हुई थी, बट धीरे धीरे अपने आपको पिकअप कर रहा है दोबारा ओके। यहाँ पर फिर सेप्टेम्बर में सेल्स बढ़ी, फिर दिसंबर में बढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है दोबारा शायद सेल्स इसी लेवल पर आती हुई हमें देख सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में प्रॉफिट था, जो कि अब इधर पॉजिटिव में चेंज होता हुआ नजर आ चुका है ओके। एंड और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 करोड़ शेयर प्लेजिंग से भी यहाँ पर छुड़वाए हैं। सेल्स की बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो देखिए दोबारा वही सेम गिरावट, फिर उसके बाद अभी दोबारा बढ़ता हुआ शेयर नजर आ रहा है। और अपने आपको वो अगर बात करें फंड रेज इसलिए ही कर रहा है ताकि अपनी प्लेजिंग वगैरह को वो छुड़वा सके और अपने आपको और ज़्यादा मतलब अब कैपेबल कर सके। कि अभी तक जो ये यहाँ पर प्लेजिंग थी, अगर हम बात करें यहाँ पर प्लेजिंग, यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 1851 करोड़ की प्लेजिंग है, जो कि धीरे धीरे देखिए 5000 करोड़ से। ये पॉजिटिविटी होती है किसी कंपनी की, इसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो 1851 करोड़ की थी, तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट, तो देखिए कहाँ 500 करोड़ 700 करोड़ के लगभग यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया करते थे। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट आता था, देखिए रिजल्ट में नेगेटिव इफेक्ट आता था। तो जैसे जैसे अब ये धीरे धीरे अपने यहाँ पर इंटरेस्ट को कम करते हैं ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट भी धीरे धीरे यहाँ पर देखिए नेगेटिव पहले ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे अब मतलब कंपनी अपने आप को पॉजिटिव की तरफ लेते हुए जा रही है। और एक बार फंड रेज हो जाएगा ऑब्वियसली बात है, और एज वेल एज ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी दोबारा भागती हुई हमें फ्यूचर में नज़र आ सकती है। तो और प्लेजिंग अपनी आपको कंपनी अपने शेयर को छुड़वा रही है, तो ये एक तरीके से बोरिंग कम कर रही है, इस तरीकों से आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी इनके रिजर्व यहाँ पर देखिए धीरे धीरे नेगेटिव होते जा रहे हैं, प्लेजिंग क्योंकि आई थिंक प्लेजिंग छुड़वाई है, और नहीं अभी तक तो इधर तक तो रिजर्व कम होते आ रहे हैं नज़र। बोरिंग की बात करें तो बोरिंग भी कम होती हुई नज़र आ रही है, पॉजिटिव साइन है ये। एज वेल एज इन्वेस्टिंग की बात करें 500 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टिंग है। और हम बात करें कैश की तो 22 करोड़ का कैश है, ट्रेड रिसीवेबल 195 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल भी आया है। यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 45% के शेयर जो कि धीरे धीरे कंटिन्यूसली कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, और प्लेजिंग भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ को भी हमें देखना होगा। बट यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी जैसे कि प्लेजिंग कम हो रही थी, तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगी, जैसे कि FIIs ने इस क्वार्टर में देखिए 0.03% के FIIs ने शेयर खरीदे हैं। DIIs की बात करें 3.56 से लेकर सीधे 15% मतलब 12% के लगभग FIIs ने यहाँ पर शेयर खरीदते हुए नजर आए हैं। इनमें से अगर बात करें LIC और एक्सिस बैंक लिमिटेड ने यहाँ पर अभी 7% की हिस्सेदारी ली है, ICICI बैंक ने ली है, साउथ इंडियन बैंक ने यहाँ पर हिस्सेदारी लेती हुई नजर आई है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 0.21 है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहाँ पर देखिए डच बैंक ट्रस्ट ने भी ले रखा है ओके। यूस्टॉन इंडस्ट्री लिमिटेड ने ले रखी है हिस्सेदारी, देवी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी ली है। तो अगर वो यहाँ पर 10% कम कर लेते हैं तो लगभग 27-28% की होल्डिंग ही यहाँ पर पब्लिक के पास नज़र आती है, बाकी सारी होल्डिंग अच्छे खासे हाथों में यहाँ पर नज़र आती है। बट प्लेजिंग यहाँ पर थी, धीरे धीरे कंपनी प्लेजिंग छुड़वा रही है। बाकी यहाँ पर फंड रेजिस से रिलेटेड न्यूज़ है। और अगर बात करें यहाँ पर देखिए जहाँ पर DIIs और FIIs ने यहाँ पर इंक्रीमेंट मतलब अगर बात करें इससे पहले देखिए दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम ही नहीं है ओके, यहाँ पर शेयर्स का कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। बट अगर यहाँ पर आप चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 25 नवंबर के बाद मतलब अगर बात करें यहाँ से ही सीधे देख लेते हैं 9 अक्टूबर से किस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुए है। तो वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना मतलब एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा ओके, वहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, और ज़्यादा ट्रेडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है, और वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर गेन भी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं ओके। इट डिपेंड्स कि कंपनी कैसी चूज़ करते हैं, वो सब चीज़ पर हमारा डिपेंड करता है, उसी चीज़ पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये कंपनी किस तरीके से भागती हुई नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं। और अगर हम बात करें RSI की, तो यहाँ पर अभी ये कंपनी कितने की RSI 59 के RSI पे यहाँ पर चल रही है। तो हर चीज़ की तरफ ध्यान दे सकते हैं। DIS ने यहाँ पर भर के खरीदा है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डंच बैंक, ओके। तो और यहाँ पर इसलिए आप इस कंपनी की तरफ नज़रें बना के रख सकते हैं। और आप इसके रिजल्ट आने वाले, एक बार रिजल्ट पढ़ लेते हैं। अगर दोबारा पॉजिटिविटी नज़र आई इनके रिजल्ट में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखिए, पहले नेगेटिव रिजल्ट थे, फिर नेगेटिव थे। और दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए EPS पॉजिटिव आ गया, मतलब इनके रिवेन्यू बढ़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए रिवेन्यू बढ़ता हुए नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है। और ऐसी ही कंपनी पर अगर सीधे परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आएगी, तो हमें ऐसी कंपनी में पैसे लगाने हो, फिर उसके बाद हमारा पैसा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये अपनी खुद की स्टडी करके ही दाव लगाइए। ये एक नॉलेजेबल वीडियो था, कुछ पॉजिटिव साइन इसमें कंपनी में दिख रहा था, तो मैंने आपको बताना सही समझा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर करिए। और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।